जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसमें बात करेंगे कंपनी के भी हाल ही में जो क्वार्टर के नंबर आए हैं, इस साल का जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया है, क्वार्टर वन का, ये काफी बढ़िया आया है। मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि कंपनी को बस क्वार्टर वन के रिजल्ट का आने का इंतजार है, उसके बाद अब कंपनी के शेयर प्राइस में आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जो क्वार्टर का नंबर है ये अब आ गया है। इस वीडियो में मेन चर्चा कंपनी ने क्वार्टर वन में जो अच्छा प्रदर्शन किया है उस पे तो होगी ही, उसके इर्द गिर्द के माहौल पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे एक झलक देख लें इस स्टॉक को। तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड फिलहाल किसी भी रेड फ्लैग में नहीं है, हर एक प्रकार के झंझट से स्टॉक मुक्त है। यानी कि जो एक बड़ी समस्या होती है छोटे स्टॉक्स में कि सेबी के द्वारा उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के उसे किसी न किसी कैटेगरी में ऐसी मेजिशन कैटेगरी में रख दिया जाता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि अब इस कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर भी आ गए हैं तो अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं झंझट मुक्त हो गया है हर एक प्रकार के टेंशन से, और अब बिंदास होकर कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से काम करेंगे और कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें तेजी आने को आते हुए आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन देखिए, 10 अगस्त का नोटिफिकेशन, जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उस समय भी आपको बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग हुआ था और उसको बोर्ड जो क्वार्टर नंबर आए थे उसको लेकर जो अपडेट किया गया था। बाकी यहाँ पे इस क्वार्टर वन के नंबर में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए नहीं दिखा है। सामान्यतः अभी इसी साल इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, कंपनी का राइट इशू आया था, उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी छोटे स्टॉक्स में आपको कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए नहीं दिखते हैं। उम्मीद है कि साल के लास्ट तक आपको एक अच्छा सा फिर से कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिखे, कुछ डिविडेंड या बोनस जैसा अनाउंसमेंट हो सकता है इस स्टॉक में। लेकिन अभी फिलहाल चलते हम लोग कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर को डिस्कस करते हैं जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर के नंबर पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। जब भी क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो पहले सबसे ऊपर सेल्स आता है, क्योंकि ओवरऑल जो क्वार्टर के नंबर होते हैं हर 3-3 माह पे आते हैं। अभी पहले क्या है कि जून क्वार्टर का रिजल्ट आया, अब ये इस साल का पहला क्वार्टर का नंबर हुआ इसलिए इसको क्वार्टर वन कहेंगे। इसके बाद सितंबर के मंथ में, अब जून क्वार्टर जो रिजल्ट है ना जून में नहीं आता, ये 1-2 माह लेट आता है, तो इसलिए अभी अगस्त में देखेंगे तो आया। फिर इसी तरह सितंबर क्वार्टर के यानी जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा वो फिर उसके अगले 1-2 महीने के बाद आएगा, ऐसे कर करके चलता है। तो जून क्वार्टर में सबसे पहले देखिए ये जो सेल्स हुआ है, ओवरऑल कंपनी ने इस 3 महीने में अपने बिजनेस में कितना सेल्स किया, जो भी कंपनी काम धाम करती है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 17 करोड़ 59 लाख के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि जबरदस्त हुआ हुआ है। पिछले कई क्वार्टर में देखेंगे तो इतना हैवी सेल्स कंपनी को कभी भी नहीं हुआ था यहाँ पे। हालांकि पिछले 1-2 सालों में देखें तो कंपनी का जो सेल्स है ओवरऑल बढ़ा है, बेहतर हुआ है। हालांकि मार्च में एक बार, मार्च 2023 में कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हो गया था, और खासकर देखेंगे तो मार्च के नंबर में ही आपको अच्छा खासा जब देखने को मिलता है, क्योंकि वो साल का फाइनेंशियल अगर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट होता है तो एक अच्छा खासा उसमें तेजी देखने को मिल जाता है। लेकिन क्वार्टर वन के नंबर में बहुत बड़ा सेल्स इस बार होते हुए कंपनी को देखा है, और सिर्फ सेल्स ही नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, जब आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे उससे पहले एक्सपेंसेस को देखिए। कंपनी को क्या होता है कि जब भी कमाई ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमाई ज्यादा हुआ तो कंपनी के खर्चे भी अचानक से बढ़ गए। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में जो सबसे ज्यादा हुआ था, तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे भी ज्यादा से बढ़ गए थे। लेकिन इस बार देखेंगे कंपनी का जो सेल्स हुआ है ज्यादा हुआ है, लेकिन कंपनी ने खर्चे को अपने कंट्रोल किया, तो ये कहीं ना कहीं गुड मैनेजमेंट की साइन होती है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना, और कंट्रोल में रख के जब मैनेजमेंट अपने जो भी पैसा आता है उसको सही से यूटिलाइज करता है तब बिजनेस का ग्रोथ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि जो मतलब मेन बिजनेस से कमाई है ये भी आपको बढ़ते हुए दिखा है, और इसी सब की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि ओवरऑल जो टैक्सेस देने के बाद कंपनी के पास पैसा बचता है वो भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। 2 करोड़ 91 लाख तकरीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का हुआ है, जो कि इसके पहले कुछ क्वार्टर्स में होता रहा है लेकिन कंपनी घाटे में चली गई थी। तो 9 करोड़ के घाटे से निकल के कंपनी को 3 लाख के प्रॉफिट में आना ये एक अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है, जो कि कंपनी ने करके दिखाया है। ओवरऑल ये जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है इसमें कंपनी के फंडामेंटल बेहतर होते हुए दिखे हैं। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब बैलेंस शीट में आप देखते हैं तो आप पाएंगे बैलेंस शीट में यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है। पहले कंपनी के पास 30 लाख के आसपास डेब्ट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कि पिछले ही क्वार्टर से कंपनी देखेंगे तो एकदम डेब्ट फ्री हो गई है, और चूंकि अब तो कंपनी के पास और पैसा आ गया तो अब तो इसके पास डेब्ट बढ़ने का मतलब डेब्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसके अलावा जो रिजर्व पैसा होता है यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होता है कंपनी के पास, जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए कंपनियां रखती हैं, यह भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है, और बढ़ के 1
145 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो हो गया है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैप है, मार्केट कैप है सिर्फ 188 करोड़, और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो पैसा है, मैं इसकी अदर एसेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो कंपनी के पास एसेट्स होता है, मैं इसके पास कैश पैसा की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी के पास 145 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही शानदार। सामान्य तो छोटी कंपनियों में इतना बड़ा रिजर्व देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंडियन इंफोटेक के पास ये रिजर्व है, यानी कि ये दर्शाता है कि बुरे वक्त में स्टॉक अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकता है, और यही वजह है कि मार्केट में ये स्टॉक सभी भी लीडर बना हुआ है एनबीएफसी के सेक्टर में, क्योंकि कंपनी जो काम करती है एनबीएफसी के सेक्टर में है, और ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, साथ में शेयर्स में ट्रेडिंग भी करती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी कंपनी एक्टिविटीज करती है, काम धाम काफी बढ़िया है, और प्लस कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया है, कंपनी के मैनेजमेंट भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आपका यदि इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो इसको बेशक होल्ड करके चलिए। इससे रिलेटेड यदि मन में कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर बातें कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर तसल्ली से सबके सवालों का जवाब देता हूँ। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।